एक शहर में बुलबुल नाम की बच्ची अपने माता पिता पूनम और रोहित के साथ रहती थी। उनकी दादी श्यामा भी उन्हीं के साथ रहती थी। बुलबुल के पिताजी बहुत ही पैसे वाले थे। एक बार बुलबुल के पापा रोहित नई गाड़ी लेकर आते हैं और बुलबुल पूनम और दादी से कहते हैं, माँ देखी अपनी नई कार, पूरे शहर में ऐसी कार किसी के पास नहीं है। अब देखो कल लोग तुमसे पूछने आएंगे इस कार के बारे में। हाँ बेटा, गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना, और फिर शहर में किसी के पास इतनी महंगी गाड़ी भी नहीं है, तो तूने क्यों ली बेटा? मुझे डर लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। आप भी ना माँ, इस जमाने में कौन इन बातों को मानता है, ये नजर वजर टोना टोटका भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बेटा लेकिन जैसे दुनिया में भगवान है वैसे ही शैतान और बुरी चीजें भी हैं। अरे माँ, अरे पूनम, तुम दोनों भी कहाँ पड़ गए इन फालतू के चक्करों में। अरे नई गाड़ी ली है, चलो घूम के आते हैं। जी पिताजी, अब हुई ना बहादुर बच्चों वाली बात। बुलबुल के ऐसा बोलने पर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहित गाड़ी में बैठकर जोर से म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है। एक तो ये लड़का किसी की बात नहीं सुनता, ऊपर से पता नहीं क्या खिटपिट लगा दी है। गाड़ी रुकने दो, अभी बताती हूँ। अरे माँ, ये नए जमाने का म्यूजिक है, खिटपिट नहीं है। अब तुम सब देखो ये गाड़ी रोड पर कैसे भागती है। रोहित जरा आराम से चलाओ गाड़ी को, बहुत तेज चला रहे हो तुम। तभी उनकी गाड़ी का टायर एकदम से फट जाता है और उनकी गाड़ी रोड पर ही पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में रोहित और पूनम की मौत हो जाती है। फिर दादी और बुलबुल ही घर में अकेले बचते हैं। एक दिन बुलबुल अकेले बैठकर रो रही होती है, तभी दादी वहां आती है। दादी, माँ और पिताजी कहाँ चले गए, वो कभी नहीं आएंगे क्या? मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता क्या? तू रो मत बेटी, वो आ जाएंगे, चिंता ना कर, मैं हूं ना। फिर दादी बुलबुल को अपने पास लिटाकर सुला देती है। हे भगवान जी, तूने क्या किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं इस छोटी सी बच्ची से कैसे कहूँ कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, वो कभी नहीं आएंगे, भगवान तू ही कुछ मदद कर। ऐसा सोचते सोचते दादी को भी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। उसी रात बुलबुल को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। वहां उसे चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल, मैं तुम्हारी माँ हूँ बुलबुल, मेरे पास आओ। बुलबुल अपनी माँ को पहचान लेती है। माँ, तुम आ गई। देखा, मुझे पता था कि सब झूठ कहते थे कि तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। ऐसा कहकर बुलबुल पूनम की आत्मा से लिपट जाती है। बेटी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम ये बात किसी से भी नहीं कहना, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, और सुनो दादी को भी मत बताना। फिर थोड़ी देर बुलबुल के साथ रहने के बाद पूनम वहां से चली जाती है और बुलबुल भी दादी के पास जाकर लेट जाती है। फिर एक दिन दो बदमाशों को उनके बारे में पता चलता है। अरे पुत्तन, सुना है अपने शहर में दादी पोती की जोड़ी रहती है जो कि बहुत अमीर है, बहुत माल है उनके पास। हाँ रंगा भैया, सुने तो हम भी यही हैं। उस लड़की के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, वो और उसकी दादी ही जिंदा बचे थे उस एक्सीडेंट में। हुआ तो बहुत बुरा था उन बेचारों के साथ, लेकिन शायद हमारे लिए ही ये सब हुआ था कि कुछ भला हमारा भी हो सके। मैं तो कहता हूँ उस छोटी पिद्दी लड़की को उठा लेते हैं और बुढ़िया से फिरौती मांग लेंगे, बुढ़िया अपनी इकलौती बच्ची के लिए पैसा तो जरूर देगी।
ऐसा कहकर रंगा और पुत्तन अपने दो और साथियों बिल्ला और कल्लू के साथ मिलकर बुलबुल को किडनैप करने की योजना बनाते हैं। और फिर जब एक दिन बुलबुल स्कूल जा रही होती है तब रंगा उसके पास आता है। कैसी हो बेटी, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आप मिलना चाहोगे अपने पापा से? हाँ हाँ अंकल जरूर, माँ तो फिर भी मिल जाती है आकर, लेकिन पिताजी नहीं आते, मिलवा तो मुझे अपने पापा से प्लीज। ऐसा कहकर बुलबुल उन चारों के साथ चली जाती है। फिर एक सुनसान जगह पर जाकर रंगा बुलबुल से बोलता है, बुलबुल बेटी अंदर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर के मिल लो उनसे। अपने पिता से मिलने की खुशी में बुलबुल बिना कुछ सोचे समझे झोपड़ी के अंदर चली जाती है और फिर रंगा और उसके साथी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। और रंगा खिड़की के पास जाकर बोलता है, बच्चे भी कितने ना समझ होते हैं, अरे एक बार जो मर गया कहीं वो फिर से जिंदा होता है? अरे तेरा बाप मर गया है, वो अब कभी नहीं आएगा। ये तो तुझे यहाँ लाने की साजिश थी, बस अब तेरी दादी से हम तेरे बदले खूब सारा पैसा मांगेंगे। अंकल आप कंधे हो, आपने झूठ बोला मुझे, जाने तो नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ जितना मर्जी चिल्लाओ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो चारों बुलबुल को बंद करके चले जाते हैं। उधर दादी बुलबुल को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं अपने दोनों बच्चों को क्या जवाब दूंगी, मेरे बच्चों की एक निशानी थी वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। तभी वहाँ रंगा अपने साथियों सहित पहुँचता है। बुढ़िया, यूं रोने से कुछ नहीं होगा, अगर तू चाहे तो मैं तेरी पोती से तुझे मिलवा सकता हूँ। मुझे ले चलो जहाँ भी तुमने उसे रखा है, ये सब पैसे ले लो, मुझे अपनी पोती के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। फिर रंगा दादी को भी उस जगह पर ले जाता है और फिर दादी और बुलबुल को बांध देता है और दादी से उनकी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। चल बुढ़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुझे तेरी पोती से मिलवा दिया, अब तू भी इन पेपर पर साइन कर। दादी अपने कहे के अनुसार पेपर पर साइन कर देती है। रंगा भाई, अपना काम तो हो गया, अब ये दोनों जिंदा रहकर क्या करेंगी? मैं तो कहता हूँ इन्हें भी मार कर इनके सगे वालों के पास ही भेज दो। कह तो सही रहा है छोटे। ऐसा कहकर रंगा बंदूक निकाल लेता है। ये देखकर बुलबुल जोर से चिल्लाती है, माँ बचाओ, ये गंदे वाले अंकल दादी और हमें मार डालेंगे। रंगा तक उन दोनों पर गोली चला देता है, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और वो गोली अपने ऊपर ले लेती है। मेरे रहते तू मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता। फिर पूनम रंगा को गर्दन से पकड़ लेती है। नौस मिटे, तुझे एक बच्चे पर दया नहीं आई, कैसे जल्लाद हो तुम, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रंगा की गर्दन उखाड़ देती है। फिर चुड़ैल पुत्तन की तरफ बढ़ती है। माफ कर दो चुड़ैल जी, गलती हो गई हमसे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। चुड़ैलों के यहाँ गलती की एक ही सजा है और वो है मौत। अब तुम सब मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल बारी बारी से उन तीनों को मार डालती है और फिर बुलबुल को गले से लगा लेती है। बुलबुल मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरी बेटी तू आ गई मेरी बेटी। माँ, एक बेटी की पुकार उसकी माँ कैसे नहीं सुनती, मेरी बेटी रोज रो रो कर मुझे याद करती थी, बस शायद इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब दोनों आराम से रहो,
और जब भी मेरी जरूरत हो मुझे पुकार लेना। ऐसा कहकर पूनम की आत्मा वहां से गायब हो जाती है।